Assalamualaikum and welcome back to Lemon Studio, guys. First of all, you will need a bowl. For what? क्या बनाना है तेरी माँ जब ने? आज हम लोग बनाएंगे donuts. Donuts. जी. तो उसके लिए आपको चाहिए एक bowl, two eggs, two-thirds cup sugar, and it's a powdered sugar, okay? And you will need a half cup of milk. So, first of all, I am going with First of all, I'm going to take an egg and then break it. Ouch! Then give it a mix. After mixing that, then you will add the 2/3 cup sugar. So give it a stir. अब अपने डालना है 1 tablespoon vanilla extract. Give it a mix. Three cups of flour. Give it a mix. अब हम डालेंगे 3 teaspoons baking powder. तो डो बन चुकी है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है. डो बिल्कुल जो है वो सख्त, इतनी सख्त भी नहीं है, इतनी सॉफ्ट भी नहीं है, एंड इट्स परफेक्ट. सो ऐसी ही डो होनी चाहिए. ये नहीं करना था मुझे. अभी हमने सुकट लगाया है और अब हम ऊपर डो डालेंगे. किया है ये और एक कप, तो मैं कप से करूंगी और मैं इससे करूंगी. इस तरह से आप अपना डोनट बना सकते हैं. प्रीटी इजी, इजंट इट? पीले ऑफ द एक्सेस एंड दैट्स इट गाइस. जब आप लोगों ने डोनट्स डालने हैं कढ़ाई के अंदर, तो आप लोगों ने उसको फ़्लिप करते रहना है. एक साइड को ही नहीं आप लोगों ने ज़्यादा देर पकाना, उसको फ़्लिप करते रहें जैसा कि मैं कर रही हूँ. इससे ये होगा कि दोनों साइड अच्छे तरीके से फूलेंगी. जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही करते रहें और अच्छा कलर आएगा. अगर आप फ्लिप करेंगे तो इससे आपका इक्वल कलर आएगा और बहुत ही अच्छा कलर आएगा. अगर आपने फ्लिप ना किया तो ये एक तरफ से बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा और दूसरी तरफ से लाइट.
फिर ये अच्छा नहीं लगेगा आपको, और फिर एक तरफ से फूलेगा और दूसरी तरफ से नहीं फूलेगा। ये देखिए किस तरह से फूले हैं और कितना बेहतरीन लग रहा है। अब आप लोग चाहे तो इसको पाउडर शुगर के साथ मिक्स कर सकते हैं और फिर चॉकलेट भी लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। कैरेमल लगाएं या चॉकलेट सिरप, कुछ भी आप लोग लगा सकते हैं। तो खूब इंजॉय करें। सब्सक्राइब।